इसका नाम है आयला का टिकली। क्या नाम है इसका? आयला का टिकली। आपके सामने ये देखो क्या है, इसे क्या बोलते हैं? आयला। और कोई नाम है इसका? सीता। और क्या नाम है? दो ही नाम है इसके। और भी नाम है? दर्पण भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंदर कहते हैं। और एक बंदर कभी छत पर आ जाए और हमारे सारे घर में कोई शीशा रखा हो और बंदर कभी शीशा ले जाए, देखा है ऐसा कभी? yes, sir. सुना हो कभी, किसी ने देखा हो? yes, sir. तो क्या sir, कहता है? नानी सर, हमने शीशा में देखा ना अपने चेहरे को डरता है। ये कहानी तुमने सुन रखी है शेर और खरगोश की, सुनिए। yes, क्या कहानी है वो शेर और खरगोश की? लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब हम शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं तो जो हमारी बाई साइड होती है वो बाई साइड ही दिखाई देती है या चेंज हो जाती है? आगे देखो, चला कर देखो। तुम्हारा क्या देखेगा? बिल्कुल ठीक है। जब तुम दाहिना हाथ अपना ऊपर करोगे तो तुम्हें शीशे में लगेगा कि बायां हाथ हम ऊपर कर रहे हैं अपना, ऐसे होता है ना? ऐसे होता है। अगर देखो क्या है, दाहिना या अपना दाया? तो हम देखते हैं, देखो जैसे हम इसके शीशे की तरफ करेंगे, इधर को खड़े होंगे ना, जब हमारा ये हाथ कौन सा है इधर से हम देखें, इधर हमारे जो दाया है लेकिन उसको उधर ऐसा लग रहा है कि माया है ना। हम क्या कर रहे हैं, इधर को घूम रहे हैं ना, वो हमारा किधर को हो रहा है, इधर को जा रहा है, उधर लग रहा है कि सर आपके बाल भी उधर से हां, बाल भी हमारे ऐसे लग रहे हैं कि हमने मांग कर उधर निकाल रखी है, लग रहा है ऐसे ही होंगे है ना। तो आज हम ऐसे ही गतिविधि करेंगे जैसा कि हमें इससे यानी दर्पण में हमें दिखाई देता है, आईना में दिखाई देता है। तो इसमें आपको करना है, मैं यहाँ से करूँगा और आप मेरे सामने खड़े हैं, आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि एक दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक। अब मैं तरफ करके खड़ोगे, मेरा दाया हाथ खड़ा होगा तो आपको कौन सा हाथ खड़ा होगा? बायां होगा। कौन सा होगा? बायां होगा। मैं जब दाएं तरफ चलूंगा तब आप कौन सी तरफ चलेंगे? बाएं तरफ ना भाई। मेरा दाहिना ये हो गया, और मैं जब चलूंगा तो आपका बाएं, आपके आप कौन सी साइड होगी ना, आपको ये लगेगा बाई साइड। तो अब ये आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं ना, देखें मैं नहीं, चलो आप में से किसी को बुला लेते हैं और आप में से दो बच्चे आएंगे, वो दोनों आमने सामने खड़े होंगे और वो इस तरह के एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि हम दर्पण में करते हैं। चलो आ जाओ संजू, हरी सर और सत्या, सत्या सबको बुलाएंगे बारी बारी से, आ जाओ दोनों पे बुलाएंगे, आ जाओ। तुम्हें दोनों को क्या करना है, इस तरह से खड़े होना ना आमने सामने। अब ये समझो आपकी बीच में आपके क्या है, दर्पण। क्या है? बीच में दर्पण है और आप दोनों एक दूसरे की परछाई यानी प्रतिबिंब है। तो जैसे हम शीशे में एक्टिविटी मतलब दिखते हैं, प्रतिबिंब हमारा दिखता है, वैसे ही आप यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी जब आपका ये हाथ मिलेगा दाहिना हाथ, तब आपका कौन सा हाथ मिलेगा? कौन सा है माया? ये नहीं, जैसे वो उंगली अब वो इस तरह से नहीं उठा रहा ना, तो पूरा हाथ उठा रहा है, तो आपको पूरा हाथ ही दिखाना है, उठाकर उंगली उंगली अकेले उंगली दिखाएगा तो उंगली दिखानी है। हाँ करो, पायल दोनों पायल और गीता ये एक का दाया दूसरे का बाया, हाँ बिल्कुल सही है। चलो बेबी और पल्लवी, चलो तुम भी अभी कराते हैं, आज तुम नहीं करोगे? नहीं सब करेंगे बारी बारी से। Gracias.
हंस लो, हंसी आ रही है तो खूब हंसो।